रोहन अपने माँ प्यो का कला कला पुत्र से कली औलाद होने करके वो थोड़ा जिद्दी ते शरारती भी बहुत सी। उदे परिवार विच उदे नाल उदे दादा दादी ते भूआ भी रहिंदे सन। घर च कला कला बच्चा होने करके वो सब दियां अखां दा तारा सी और ज़्यादा लाडला हो के वो थोड़ा बिगड़ भी गया सी ते जिद्दी भी बन गया सी और उन्हों अपनियां गल्लां मनवाणियां भी आंदियां सी। उहदे माँ प्यो दे प्यार विच बिगड़िया होया बच्चा पर दादा दादी नूं उहदी बड़ी चिंता सी कि नहीं कला कला बच्चा है यह बिगड़िया नहीं होना चाहिए। दिवाली दे दिन नज़दीक आ रहे सन, सारे पासे दिवाली की तैयारियां हो रही सन। सब अपने अपने घर रंग रोगन पर्दे वगैरह जो भी कर सकते सी कर रहे सन। रोहन के घर भी यह सब कुछ होया। रोहन ने भी अपने लिए बहुत सारे कपड़े नवियां जुतियां और बहुत कुछ खरीदया। शरारती होने करके वो माँ प्यो सोच रहे थे कि ऐतकी वह की शरारत करेगा और कड़ी जिद करेगा तो उन्होंने यह तमन्ना जल्दी पूरी हो गई। रोहन ने कुछ ऐसे पटाकों की मांग की जेड़े 9-10 साल के बच्चों वास्ते नहीं सन और ज़रा महंगे भी ज़्यादा सन। पर हमेशा की तरह उस दिन भी वो जिद मनी गई तो उन्होंने पिता जी ने पैसे दे दिए और पैसे लेके वह अपने ड्राइवर नाल बाजार चला गया। और उसकी दादी बैठे बैठे सोच रही थी कि ऐतकी रोहन कड़ी नवी शरारत करेगा। उन्हों दादी नूं उहदी पुरानी एक होली वाली शरारत याद आ गई। वो शरारत ऐसी सी कि तुसी सोच भी नहीं सकते कि उन्हें की कीता होएगा। उन्हें अपने बिल्डिंग दे सुते हुए चौकीदार नूं बिस्तरे समेत थले सवा दिता और उहदी मंजी नूं होलिका दहन की जल्दी हुई अग विच दे हवाले कर दिता और उतों खुद भज गया। यह सोच ही रही सी दादी कि रोहन घर वापस आया और सीधा अपने कमरे चला गया। अपने कमरे चला गया, घर वाले बड़े परेशान कि इन्ना चुपचाप क्यों अपने कमरे च गया है। तो उन्होंने ड्राइवर नूं बुलाया तो ड्राइवर ने जो दसिया वो सुन के सारे थोड़े हैरान हो गए। जदों बाजार जा रहा सी उन्हें गड्डी विच एक पेपर पढ़िया जिदे विच केरला च आए कहर दा जिक्र सी और कुछ बच्चों दीआं फोटोआं भी छपिया हुई सन। वह पढ़ के उन्हें बड़ा ही दुख लग्या और नाले उहदे च इह वी लिखिया सी प्राइम मिनिस्टर दे रहत कोश विच तुसी अपने पैसे जमा करवा सकते हो क्योंकि अजे भी उत्थे बड़ी मदद की जरूरत है। और उन्हें वह पढ़िया और अपने सारे पैसे उन्हें प्राइम मिनिस्टर रहत कोश विच जमा करवा दिते और बिना पटाके ले वह घर वापस आ गया। यह सुन के माँ प्यो इन्ने हके बके रह गए और इन्हां दे चेहरों उत्ते इन्नी खुशी आई और उन्होंने उन्हें घुट के गले लगाया और वो सोच भी नहीं सकते सन कि उन्हों का बिगड़े हुआ पुत्र एक दिन ऐसा भी कर सकता है। और उन्हों दी अखां दी जिहड़ी रोशनी आई सी उन्हों के सामने दिवाली के दिए भी बहुत फिक्के लग रहे सन। सो बच्चों हैप्पी क्रिसमस।